प्राइम मिनिस्टर वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस वाईफाई क्रांति की दिशा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। डिजिटल इंडिया की ओर सरकार का एक और कदम। जी हां, डिजिटल इंडिया को आगे बढ़ाने के लिए मोदी सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। मोदी सरकार ने पीएम वाणी योजना की घोषणा की है। पीएम वाणी योजना के अंतर्गत पीडीओ यानी कि पब्लिक डेटा ऑफिस बनाए जाएंगे और इन पब्लिक डेटा ऑफिस के लिए ना ही किसी लाइसेंस की, ना ही आपको पंजीकरण कराने की ज़रूरत है और ना ही इनके लिए कोई शुल्क लिया जाएगा। इन पब्लिक डेटा ऑफिस से वाईफाई एक्सेस सेंटर खोले जाएंगे, जो कि ऐसा माना जा रहा है कि वाईफाई एक्सेस सेंटर खुलने से, जो हमारे सूचना मंत्री हैं उन्होंने भी ये कहा है कि इसको लेकर भारत को डिजिटलकरण में काफ़ी फ़ायदा पहुंचने वाला है। जहां पर प्रधानमंत्री मोदी ने जहां आत्मनिर्भर भारत की और डिजिटल इंडिया की और स्किल इंडिया जैसे जो नारे दिए हैं, जो बात की है, उसको आगे बढ़ाने के लिए ये बहुत ही फ़ायदेमंद माना जा रहा है। क्योंकि जो ये पीडीओ यानी पब्लिक डेटा ऑफिस खोले जाएंगे, इनके माध्यम से वाईफाई एक्सेस सेंटर स्थापित किए जाएंगे और इसके साथ ही ग्राहकों को ब्रॉडबैंड की सुविधा भी इसके माध्यम से लोगों तक पहुंचाई जाएगी। जो सरकार द्वारा ये पीएम वाणी योजना शुरू की गई है, इसका सीधा सीधा मकसद यही है कि भारत को डिजिटल की दुनिया में बहुत ही आगे लेकर जाना। और इसके जो लॉकडाउन लगा था या जो कोरोना हुआ था, उसकी वजह से जो स्थिति, जो इकोनॉमिकली वे में जो बिगड़ा कंडीशन बिगड़ी थी इंडिया की, उसको सुधारना भी इसका एक मकसद है। हालांकि इंडिया में ऐसी बहुत सारी जगहें हैं जहां पर 4G की सेवा उपलब्ध नहीं है, उसको देखते हुए भी ये कदम उठाया गया है ताकि जिन लोगों को इस प्रकार की सेवाएं नहीं मिल रही हैं उनको सरकार फ्री में ये सेवा उपलब्ध कराई जा सके। हालांकि जो ये सेंटर खुलेंगे उनके लिए भी कोई ज़्यादा शुल्क ही नहीं देना पड़ेगा, ना ही आपको लाइसेंस लेने की ज़रूरत है और ना ही पंजीकरण कराने की। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने खुद प्रेस वार्ता कर जो पीएम वाणी योजना है उसकी, उन्होंने जो जो इसके फायदे हैं वो सब प्रेस वार्ता के जरिए लोगों के सामने रखे। अब देखना है कि जो मोदी सरकार द्वारा ये डिजिटल इंडिया के लिए एक कदम बढ़ाया गया है वो भारत को डिजिटलकरण की दुनिया में कितना आगे ले जाता है। कैमरा पर्सन आदिल के साथ मैं गरिमा, ACP News, पानीपत।